प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की दो सशक्त और बहादुर महिलाएं। एक तरफ आप देखेंगे पत्रकार अंजू पंकज जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया अली खान जी, जो कि ना सिर्फ ओवैसी की पोल खोलेंगी बल्कि कैसे ओवैसी हैदराबाद के चुनावों में गड़बड़ी करवा रहा है इसको एक्सपोज करेंगे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जय श्री राम। अंजू जी, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फिर से बहुत दिन के बाद हम बैठे हैं। बिल्कुल, बहुत दिन के बाद बैठे हैं और इस दौरान आप पता नहीं कहाँ कहाँ घूम कर आई हैं, किस किस की बात लगा कर आई हैं। वही सब जानना समझना है कि आप कहाँ थे और क्या क्या करके आई हैं। तो ये बताइए कि आप हैदराबाद गई थी, अचकन भरी गर्मी में, अचकन पहनने वालों के शहर में आप थी, वहां क्या क्या हुआ? हैदराबाद गई और जिस वक्त मैं एयरपोर्ट से उतरी और गाड़ी सीधा मैंने चार मीनार की तरफ घुमवाया, मैंने कहा मुझे सबसे पहले चार मीनार जाना है। चार मीनार को मैंने मिनी पाकिस्तान पाया। चार मीनार पे मैंने जिहादन और हिजाबन को पाया। चार मीनार पर मैंने हलाला सेंटर पाया। चार मीनार पर मैंने उन मुल्लाओं को पाया जो बोर्ड पर बड़े बड़े तख्तियों पर उर्दू में लिख करके बैठे हुए थे कि आप अपनी बीवी को, अहलिया को यहाँ छोड़कर जाएं, हलाला के दूसरे दिन आपको बीवी मिल जाएगी वापस। तो मानो जैसे रजाकार के फौज ने और अवेसी के लीडरशिप में ओल्ड सिटी हैदराबाद को मिनी पाकिस्तान बना करके रखा गया है। कोई भी मुसलमान मर्द आपके बदन के उजू को कहीं पर भी छू देगा आते जाते, आप उस पर कुछ भी नुक्ताचीनी नहीं कर सकती हैं। और कानून समझाने की और बताने की तो गलती बिल्कुल ना कीजिएगा हैदराबाद ओल्ड सिटी में। जैसे ही अंजू जी आपने कानून बताने या समझाने की कोशिश की, वैसे ही आपको शरिया लॉ बता दिया जाएगा और इस्लामिक कानून के द्वारा आपको जो सजा मुकर्रर की जाएगी वो आप कल्पना भी नहीं कर सकती हैं। तो बहरहाल मैंने जो देखा हैदराबाद ओल्ड सिटी में, मेरी आंखों से आंसू गिर गया। जो हजारों लाखों मुसलमान बेटियों से मैं मिली हूँ, मैंने कई तस्वीरें आपके साथ शेयर भी की हैं, हजारों मुसलमान बेटियों के साथ मैंने और माधवी लता जी ने बैठ करके बातचीत की, मैंने पर्सनली भी मुलाकात किया, माधवी लता जी के एब्सेंस में भी मुलाकात किया उनसे, उनके घरों में जा करके मैं मुलाकात करके आई। सबकी आंखें रो रही थी, सब तड़प रही हैं, सब कलप रही हैं और कुरान के एक आयत को भी उन्होंने पढ़ा नहीं है। वो इस्लाम वही समझती है जो मुल्लों ने समझाया है और रजाकार के जो अवेसी ने समझाया है वही, उसी को वो इस्लाम समझती हैं। हिजाब को पहन करके वो सोचती हैं कि वो रसूल के की सुन्नत मान रही हैं, हलाला करवा करके उनको ऐसा लगता है कि सुन्नत रसूल पर वो चल रही हैं, हिजाब में खुद की आइडेंटिफिकेशन को बंद करके उनको ऐसा लगता है कि यही इस्लाम है, इसके अलावा तो 30 पारे में और अलकुरान में कोई इस्लाम है ही नहीं। मैंने यहाँ तक मुसलमान महिलाओं से ये भी पूछा कि चार कुल तो याद है, तो वो कहीं नहीं, चार कुल भी याद नहीं है। मैं ऐसी ऐसी मुसलमान बहनों और माताओं से मिली हूं जिन्होंने अल कुरान पढ़ा ही नहीं है। बच्चे मुसलमान बच्चे जाहिल हैं, माएं जो है वो घर में बर्तन मांझती हैं और बाप जो है वो दो दो तीन तीन शादी धड़ल्ले से कर करके घर में दो दो तीन तीन बीवियां रखा हुआ है। तो बहुत ही बुरे हालात को मैंने अपनी नजरों से देखा है, बहुत ही बुरे हालात को मैंने समझा है। लेकिन जिस हिसाब से अवेसी ने पूरे हैदराबाद ओल्ड सिटी को बर्बाद करके रखा है, पहली बार अवेसी को एक औरत से डरते हुए देखा मैंने। मैं वही आपसे समझना चाह रही थी कि आप वहां पर गई, माधवी लता जी के कैंपेन में शामिल हुई, तो इस बार हालात तो वहां बड़े बदले हुए से नजर आ रहे हैं। ओवैसी तो हैदराबाद छोड़कर जाने को तैयार नहीं है, वहीं डटे हुए हैं, स्कूटर पर कैंपेनिंग हो रही है, तो हो क्या रहा है वहां पर? देखिए, अगर उसके पिता के दौर से अगर उठाया जाए तो कभी भी अवेसी रजाकार के खानदान को कभी नहीं लगा कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हैदराबाद के चेयर को पाने के लिए। और कभी हमने इतने चर्चित में हैदराबाद के सीट पर देखा भी नहीं, लोकसभा इतना चर्चे में तो कभी नहीं देखा। पर पहली बार
मुझे हैदराबाद की सरजमीन से ये एहसास हुआ कि अवेसी एक औरत से डर गया है। अवेसी की कुर्सी हिलते देखा मैंने, अवेसी को कांपते देखा मैंने, अवेसी को बिलकते देखा मैंने, और अवेसी का सही चेहरा रजाकार वाला, वोटों को लूटने की रणनीति और राजनीति मुगलों वाली, वो कल नजरों में साफ दिखाई दी। कल कई कई राज्यों में, भारत के कई राज्यों में वोटिंग थी, पर देखिए अंजू जी, सबसे ज्यादा चर्चित सीट जो था वो हैदराबाद था। और हैदराबाद इसलिए था कि राम बाण से वाले दिन से माधवी लता के ऊपर जो FIR का सिलसिला स्टार्ट हुआ था, वो कल वोटिंग होने तक हो रहा था। तो मैं तो उसको भी शुभ समझती हूँ, मैं तो उसको भी शुभ समझती हूँ। और मैंने माधवी लता जी से बैठ करके मैंने कहा कि आपने भगवान राम के बाण चलाए थे, आपने शांति और ऊर्जा के बाण चलाए थे, आपने अमन और पसंद के बाण चलाए थे, आपने भारत की सभ्यता और भारत की संस्कृति और सिविलाइजेशन को दोबारा हैदराबाद में लाने के लिए बाण चलाए थे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, भगवान राम भी आपके साथ है, मुसलमान बेटी नाजिया इलाही खान भी आपके साथ है। हिजाब उठा करके वोटर आईडी कार्ड से अगर चेहरे का आइडेंटिफाई किया जा रहा था, तो इसमें बुरा क्यों लग गया? अवेसी तो पीटने लगी, और सब शेरवानी 48 डिग्री की गर्मी में शेरवानी पहन पहन करके सब बाहर निकल करके मुहर्रम का मातम क्यों करने लगे? अवेसी साहब से मैं पूछना चाहती हूँ कि जब औरतें तवाफ करती हैं हज और उमरा के दौरान, जब मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा में जब हज होता है, तो अहरम के वक्त में बिल्कुल भी चेहरे पर पर्दा नहीं होना चाहिए। ये अल कुरान कहता है, ये सही अल बुखारी कहता है, ये हदीस कहता है कि नाक और मुंह अगर ढका रहेगा तवाफ के वक्त तो वजू ही होगा, और वजू नहीं होगा तो फिर तवाफ नहीं होगा, और तवाफ नहीं होगा तो हज नहीं होगा। आप जितने भी मुसलमान बहनें और माताएं में इस इंटरव्यू को देख रही हैं, उन तमाम लोगों से मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि इनमें से जितने के भी रिश्तेदार महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं हज करने गई हैं, क्या वो हिजाब पहन करके चेहरे को ढक करके गई हैं? मैं मुसलमान बहनों से ये भी पूछना चाहती हूँ कि जब हज और उमरा के लिए और विदेश घूमने के लिए आप पासपोर्ट के लिए जब हिजाब का पर्दा उठा करके आप फोटो खिंचवा करके पासपोर्ट में चिपकवा सकती हैं, आप जब ये तवाफ के वक्त में बिना हिजाब के मर्दों की भीड़ में तवाफ कर सकती हैं, तो देश के सबसे बड़े वोट के लिए, लोकतांत्रिक वोट के लिए आप क्यों नहीं हिजाब उठा सकती हैं? और देखिए, हिजाब का पर्दा फाश भी हुआ। हिजाब उठाया तो नगमा की जगह नाजिम निकला, हिजाब उठाया तो रशीदा की जगह राशिद निकला, हिजाब उठाया तो अम्मा की जगह बेटी निकली। 16 साल की बच्ची वोट करने आई थी भैया हैदराबाद में। और ये जो बोगस वोटिंग की जितनी खबरें, मैंने तो तस्वीरों में देखा, वीडियो में देखा कि उठा उठा के नकाब वो देख रही थी लता जी, लेकिन फिर उसके बाद क्या वो सबके सब फेक ही थे? वो सब बोगस थी, वो महिलाएं जो कतार में बैठी हुई थी। देखिए, जिस दिन मैं हैदराबाद पहुंची थी, उस दिन माधवी लता जी से जब मेरी मुलाकात हुई, तो वो जिस ऑफिस में थी, उस ऑफिस में बड़ी अफरा तफरी का माहौल था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि लोग इतने परेशान क्यों हैं। तो मैंने उनसे ही बैठ करके पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने मुझे तकरीबन 80,000 लोगों का पूरा लिस्ट दिखाया कि ये आदमी लोग जो हैं, ये हिंदू वोटर्स हैं, ये जिंदा हैं और इनको डेथ करार दे दिया गया है। बताइए, इनको मौत सुना दी गई है जिंदा को। ये 80,000 लोग जो मुझे वोट करेंगे, इनको ऑलरेडी वोटर लिस्ट में मार दिया गया कि मर गए हैं और इनके वोट वहां से हटा दिए गए जी। अब मैंने कहा कि ठीक है, वो लिस्ट दिखाइए मुझे। मैंने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कहा कि मुझे लिस्ट दिखाइए। जब मैं लिस्ट देख रही हूँ, जब मैं वाक्य में टाइप कर रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि वो डेड है, और वो आदमी व्यक्ति, वो जो मरा, जो वोटर लिस्ट में मरा हुआ व्यक्ति है, वो जिंदा मेरे सामने खड़ा है अपना वोटर आईडी कार्ड लेकर के। कह रहा, दीदी ये तो मेरा ही वोटर आईडी कार्ड है, ये तो मैं ही हूँ, मैं तो मरा नहीं हूँ, देखिए फोटो भी मेरा ही है।
तो ये जो हिजाब के अंदर का जो रजाकार का जो स्ट्रेटेजी चल रहा था वो तो रंगे हाथ पकड़ाया है, एकदम रंगे हाथ पकड़ाया है। और आप देखिए कि कंपेनिंग के दौरान भी माधवी लता जी ने 5 लाख से ऊपर बोगस वोटर्स को इलेक्शन कमीशन के गोद में डाल दिया था और इलेक्शन कमीशन को उसको रिजेक्ट करना पड़ा था, हर हाल में करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने पूरे तथ्य और सत्य के आधार पर गोद में डाला था। उसके बाद कल वोटिंग वाले दिन माधवी लता जी ने रंगे हाथ एक 16 साल की बच्ची को पकड़ा। वो 16 साल की बच्ची का उन्होंने जा करके 15 मिनट में, इतनी दूर पुलिस स्टेशन में भी वो पहुंच गई माधवी लता जी। फिर वहां पर भी उन्होंने कहा कि भैया आपने बच्ची छोड़ा क्यों, वो तो क्राइम कर रही थी, उसके माँ बाप को बुलाना चाहिए था, उसके माँ बाप से पूछना चाहिए था। वो तो पुलिस ने क्या किया है कि पुलिस ने अपनी वर्दी पहने हुए संविधान को अलमारी में रख करके और शरिया लॉ को अपने हाथ में ले लिया और अवेसी का दल्ला बन करके यूनिफॉर्म का मजाक उड़ा करके उस बच्ची को और उसके माता पिता को कह दिया कि तुम लोग अभी छुप जाओ, तुम लोग अभी छुप जाओ, नहीं तो FIR करवा देगी ये औरत। आप सोचिए। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह अंजू पंकज जी और नाजिया लाई खान जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा कि कैसे इस बार ओवैसी एक औरत यानी कि एक फायर और एक आयरन लेडी माधवी लता जी से घबरा रहा और कैसे चुनावों में गड़बड़ी कर रहा है, जहां पे 80,000 हिंदू मर्दों को मुर्दा घोषित कर दिया गया। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी से लेटेस्ट दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।